बेसिकली गाड़ी के नीचे बहुत बड़ा पत्थर घुस गया था। रुक जाओ, से निकाल क्या? अरे हाँ, वो टकराया नहीं, वाह गाड़ी से टकराया नहीं, वो निकाल लो उसे। यहाँ दर्द हो रहा है, जितनी भी बार ये गाड़ी नीचे से हल्की सी भी घिस रही है, हल्की सी भी स्क्रेप हो रही है। तीन बजे तो अपने को कम से कम आधे घंटे में सब कुछ रैप अप करना है, जितनी वीडियो, जितनी रीले, जितनी फोटोज खींचनी है। क्या हाल हो रखा है इस बाजार का, और ये सिर्फ पीछे से नहीं है, आगे से भी पूरी बज के आई है। अरे अभी ट्रिप पे निकलने से पहले मैंने टाइट करवाए थे, वो वापस ढीला हो गया, तो ये भी वापस टाइट करवाना पड़ेगा। ये छोटी मोटी चीजें तो एक्सपेक्टेड होती है अगर आप इतनी बड़ी ट्रिप पे आ रहे हो, इतना गाड़ी चलाने वाले हो, तो सब सही है, गाड़ी को कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ है, तो वेरी गुड। जितना स्ट्रगल, जितना गंदा रास्ता, और जितना बिना व्लॉग के आया हूं ना मैं, क्योंकि रास्ता इतना बुरा है कि रास्ते से नजर नहीं हटा सकते, अगर चंद्रताल का व्यू वर्थ इट नहीं हुआ ना, दिमाग फट जाएगा। सर, वन लाइफ में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, गाड़ी में बैठना आपको थोड़ी देर, आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। तो यहाँ पे इतनी बारिश और इतनी ठंड हो गई है कि गुलाटी सर अंदर आ गए हैं। गुलाटी सर, सर ये हाथ लगा, नीचे हीटर चल रहा है। जो आगे वाटर क्रॉसिंग है ना, उसका भी बहुत बुरा हाल होगा, ऐसी विजिबिलिटी में तो भाई पक्का लग जाएगी गाड़ी नीचे से, अगर कुछ दिखेगा ही नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। तो बेसिकली गाड़ी के नीचे बहुत बड़ा पत्थर घुस गया था, बहुत ही ज्यादा बड़ा, और इन चारों लड़कों ने मिलके गाड़ी के नीचे घुस के पूरी बारिश में भीग के पता नहीं कैसे वो पत्थर निकाल लिया फाइनली। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? फन, इतना बड़ा पत्थर देखा से गाड़ी हिल ना रही, कपड़ों की हालत देखो। नहीं, नहीं भाई, तो ये ब्राउन है, इसमें पूरी मिट्टी है यहां पे। जो बेल्ट है ना, ये गर्म है पत्थर गर्म है सर, बहुत सर, रेस कर लेकिन बहुत तगड़ा वाला सर, पर कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। ये चीज कर रहे हो तो फिर सोच के चलना पड़ेगा। अभी किच रहा है क्या? हाँ, अब मान लो इतनी बेल्ट है ना, इतना हिस्सा कट गया उसका हाफ, फिर वो अंदर टकरा रही है और धुआं आ रहा है, तो मैंने क्या किया, चक्कू से काट दी वो जो लटक रही थी, इतनी पे ही चल रही है और ये ज्यादा स्ट्रेन सह नहीं पाएगी, तो चेंज करवानी पड़ेगी। पहले डिजायर, अब क्रेटा, उससे पहले ब्रेजा, पहले ब्रेजा। रुक जाओ, से निकाल क्या? अरे हाँ, वो टकराया नहीं, वाह गाड़ी से टकराया नहीं, वो निकाल ले उसे। ये पत्थर देखो, ये पत्थर था गाड़ी के नीचे, गाड़ी साफ करने वाले कपड़ों से जमी पड़ी जितनी बार कोई भी जलने की खुशबू आई है ना, मैं और आशीष का दायर गाड़ी सूंघ लेते, गाड़ी बना रही हो, और हमने सोच लिया था चाबी आग लगी थी, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, अगर आग लगती है कुछ नहीं। अरे कपड़े चेंज, आदि की पैंट तो नहीं पहन पाया, जीन्स तो अभी भी चलो गंदी है, बट ये पहन के जो सुकून आया था ना मेरे भाई, भाई तो गर्म कपड़े, मेरे को वही हो रहा था, मैंने कहा बिल्कुल ही वो गीले। चलो सर इनको निकाल दो, फिर अपन भी निकालते हैं सर, थोड़ा सा ध्यान से निकालनी पड़ेगी फिर से। यस सर, घूप रात हो गई है, अभी भी मनाली, अभी मनाली के अभी तक कोकसर भी नहीं पहुंचे हैं, और बहुत गंदा रास्ता है, मतलब गाड़ी के टायर जल रहे हैं, एक ही जगह घूम रहे हैं, मेरी बेल्ट ऑलरेडी आधी कट चुकी है गाड़ी की, तो वो भी थोड़ी टेंशन है, तो किसी तरह मनाली खींचनी ही पड़ेगी, अराउंड दो घंटे भी लगेंगे अक्सर पहुंचने में। मनाली पहुंच के रात को रेस्ट करके सुबह से ठीक कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको ठीक नहीं कराया तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। पीछे सब लोग खड़े हैं, हेल्प कर रहे हैं अपनी गाड़ियों और दूसरी गाड़ियों को निकलवाने में, क्योंकि एक बार वो गाड़ियाँ निकल जाएंगी तभी अपन लोग आगे जा पाएंगे। स्केरी, काफ़ी डरावनी, काफ़ी थकाने वाली, और मेरी लाइफ की वर्स्ट ड्राइव है अभी तक की।
आपने करवाया सर? मैंने कौन सा टास्क पूरा नहीं करा आपका? क्या करवा रहे हो मेरे साथ ये भाई? कब से गाड़ी चला रहे पता है? हम जब वहाँ पे थे ना, जब महंगी गाड़ी थी वहाँ से गाड़ी था 1 hour 15 minutes। अभी बता कितना दिखा रहा होगा कहाँ पे कोक्सर? हाँ 41 minutes। तो कितने? 7-8 kilometers चले हैं, 7-8 kilometers चले हैं तब से सिर्फ, और रात हो गई है। पाउंड रोड सर, सर सर रोड सर, रोड मिल गया सर। भाई भाई इधर इधर आए सर, सर सर रोड रोड सर, रोड मिल गई भाई। वी डिड इट सर, वी डिड इट। मेरे को रोना आ रहा है, बहुत गंदा लग रहा है। भाई साहब राहुल सर, राहुल सर कैसा लग रहा है? राहुल सर बहुत टाइम बाद मिले सर। ओ भाई पता है गुलाटी ने आज मेरे से क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? गुलाटी बाइक चला रहा था, मैंने कहा और गुलाटी मौज आ रही है, कह रहा है मौज नहीं आ रही, वन लाइफ की। देखो सुनो, यहाँ से 12 kilometers अटल टनल है, उसके बाद रोड बढ़िया है। ओके मनाली। हाँ तो मैं कह रहा हूँ मनाली खींच लो, अटल टनल क्रॉस होती मनाली आ जाएगा और चुम्मा रोड है। जैसे वो रास्ता उस पर ड्राइव हो पा रही थी, भाई बीच में कई बार ऐसा लग रहा था कि रास्ता है कहाँ, जाना कहाँ पे, इधर पत्ती से मिट्टी, इधर पत्ती से मिट्टी, हम बीच पर खड़े कि कहाँ है रास्ता। यश गिरा था वहाँ पे जो हुआ, भाई वहाँ पे गाड़ी पलटी हुई थी। मैंने पहले गाड़ी नहीं देखी थी, मैंने तो पहले यश को देखा, मेरे को शिट, मेरे को गिर गया, मैंने कहा अक्षय है, क्योंकि दो बंदे तो भाग रहे थे ऑलरेडी उस तरफ, मैंने कहा कभी वो गिर गया। ऐसे की लग रहा है कि हमने एक फ्लैट ले लिया है, उसका रेंट दे रहे हैं सारे मिलकर और उसमें रह रहे हैं हम। मुझे तो ये सोच रहा हूँ मैं कि कल से अलग अलग रहना है वापस, आपस में हम लोग सुबह उठ के एक दूसरे की नींद खराब कर रहे हैं, कूद रहे हैं दूसरे ऊपर, वो नहीं हो ना कल से। ये 9 दिन थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम हो गया। देख रहा हूँ सर घर कितना दूर है, बहुत ज्यादा 11 घंटे दिखा रहा है बस, 550 किलोमीटर है आते हुए तो कैसा था? अरे नहीं ना, जश कह रहा घर नहीं जाना, क्या करे फिर छितर मारो यश, क्या ठीक करो इसे, बाइक चलानी बहुत जोर से। फिर आ गए तुम दोनों अपनी ये गिली गिली लाफिंग गाने। खाएगा तू लाफिंग? मैंने खाया नहीं आज, ट्राई करूंगा। छी यार, आप में से किसी ने कभी लाफिंग ट्राई आउट किया? बिकॉज मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। गुलाटी सर लास्ट टाइम आए थे तो बर्फ पड़ी हुई थी यहाँ पे, बर्फ पड़ी थी, हम ऊपर बैठे हुए थे, कैसे वापस नहीं जाके बैठेंगे? कैसा लग रहा है सर मनाली से निकले फिर बारिश? आखिरी दिन है लेकिन एडवेंचर खत्म नहीं हो रहा है। मेरे को लगता है तेरे को भिगाने के लिए आती है बारिश, बस अब कोई बारिश नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, बढ़िया मौसम। भाई जब मैंने हां में मौसम की तेज बारिश निकली तेज, मुझे लगता है तू ये कूल दिखने के लिए अपना ये पहनने के लिए करता है। गलत ही मारी और ये टर्न करके कैसे मारी है पर इसमें? मेरे को फॉर्च्यूनर वाले की गलती लग रही है। हाँ वो तो सीधे ही खड़ी है दूसरी गाड़ी, गाड़ी टर्न कैसे हो गई? या तो ये यू टर्न ले रहा था और इसने सोचा ये रोड यू टर्न लायक छोड़ी है। राहुल सर कैसा लग रहा है बारिश में ड्राइव करके? ये देखते हैं दुश्मन कह रहा घर नहीं जा रहे। कैसा लग रहा है? आप कह रहे थे ना नहीं खींच पाएगा सर, खींच जाएगा सर? सर खींच रहे हैं जबरदस्ती, बढ़िया सोते हैं, हमें सोते हैं, बढ़िया होटल पे रुके हैं सर। 12:45 पहुंचने का टाइम था, 12:05 में पहुंच गए हैं, अब दिल्ली पहुंच जाएंगे और 2.5-3 घंटे, 2.5 घंटे यार, 3 घंटे भी वो भी तोड़ देंगे टाइम। क्या दिक्कत है? 4 बजे घर पहुँचाओगे? अभी चले थोड़ा रुक जाते हैं राहुल के लिए, आराम से 5-6 बजे तक चलते हैं घर, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे कॉल है सुबह सुबह मुझे मंडे को घर जाना है। सुबह 10 बजे कॉल है सर, क्या हाल है? बेहाल, ऐसे भी खराब रोड मिल गई है गांव के अंदर ही अंदर। पता है सबसे पहले मैं अकेला गया और बहुत दूर तक चला गया, 2 किलोमीटर तक कोई गाड़ी नहीं दिखी, मेरी मैंने वापस मोड़ ली। इतने में एक टेम्पो ड्राइवर और एक गाड़ी आई, मैं दोबारा गाड़ी मोड़ के पीछे लगा ली। पिछले 3 घंटे 3.5 घंटे से जो सोई है एकदम नाइस, अभी उठेगी एकदम फ्रेश होके। गुलाटी सर वी डिड इट सर, पहुंच गए दिल्ली, 14 घंटे का रास्ता 13 घंटे में सर हो गया। अरे बहुत बढ़िया सर, क्या सर एक और ट्रिप खत्म नहीं सर?